स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो आपकी नजरों ने समझा में आप देख रहे हैं कि फाइनली शोभित का प्लान हो चुका है कामयाब। रितेश और नंदिनी के रिश्ते को लेकर उसने दर्श और नंदिनी के दरमियान दरार डाल ही दी। न सिर्फ दर्श का साथ नंदिनी से छूटा है बल्कि राजवी का भरोसा भी नंदिनी से उठ चुका है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शोभित की एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आ रही है चार्मी वापस। जैसा कि आपने चार्मी की दोबारा एंट्री तो देख ही ली है लेकिन शोभित के सामने अभी तक चार्मी नहीं आई है। ऐसे में शोभित और दर्श के काकू गए हैं चार्मी के पास उसे सच से रूबरू करवाने के लिए। इनके काकू चार्मी को समझाएंगे कि जो कुछ भी हुआ उसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं है। नंदिनी को तो गुण और शोभित की शादी के बारे में, इस सौदे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जबकि ये सौदा तो राजवी के साथ वनलता ने किया था। यहाँ पर चार्मी की गलतफहमी भी दूर होगी। उसके बाद काकू चार्मी को बताएंगे कि गुण के साथ अपनी शादी का जो पूरा ड्रामा है उसके पीछे जिम्मेदार शोभित नंदिनी को मानता है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि चार्मी की मौत का जिम्मेदार भी शोभित नंदिनी को मानता है, इसीलिए वो दर्श और नंदिनी के बीच दूरियां लाने की कर रहा है तमाम कोशिशें। इसी वजह से चार्मी जाएगी शोभित के पास। जी हाँ, शोभित और जिंदा चार्मी का एक दूसरे से आमना सामना होने वाला है, जहाँ शोभित के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी चार्मी को जिंदा देखकर। वहीं दूसरी ओर नंदिनी को घर से बाहर निकाल दिया गया है। बेचारी नंदिनी अब दर्श का घर छोड़कर आ चुकी है क्योंकि बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। इस बार भी किसी ने नंदिनी पर भरोसा नहीं किया है। एक तरफ नंदिनी जा चुकी है घर से बाहर तो वहीं दूसरी ओर शोभित की गलतफहमी दूर होगी जब चार्मी उसे सच्चाई बताएगी। इसके साथ ही शोभित को अपनी गलती का एहसास होगा और वो पहुंचेगा दर्श और राजवी के पास, बताएगा इन दोनों को सारी सच्चाई कि नंदिनी भाभी ने कुछ नहीं किया, ये सारा का सारा ड्रामा मेरा किया हुआ है, मैंने ही आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग लाने के लिए रितेश और नंदिनी भाभी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा शोभित के खुलासे के बाद दर्श और राजवी किस तरह नंदिनी को घर वापस लेकर आते हैं, क्योंकि इस बार नंदिनी का घर वापस लौटना तो नामुमकिन सा ही है। इंतजार रहेगा सीरियल आपकी नजरों ने समझा में आने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने का।